हेलो फ्रेंड्स, आज हम 12th एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर चालू कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पिछले चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, हमने पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एम्ब्रियोलॉजी, गैमेटोजेनेसिस पूरा डिटेल देख लिया है। अब उससे क्लोज रिलेटेड चैप्टर है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, कैसे उसको हेल्दी रखा जा सकता है, कैसे फैमिली प्लानिंग की जा सकती है, और कैसे किसी स्टेराइल कपल का जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं उसमें कैसे संतान प्राप्ति के लिए, बच्चे के लिए किस किस तरह के उपाय हम कर सकते हैं, किस किस तरह के टेक्निक्स अवेलेबल हैं, ये सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यू हैव लर्न्ड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शन इन चैप्टर 3, जैसा मैंने अभी आपको कहा वैसा। नाउ लेट्स डिस्कस ए क्लोजली रिलेटेड टॉपिक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये है, देखिए, कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, एक हेल्दी सिस्टम के लिए हमारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो भी हेल्दी होना चाहिए, है ना। तभी एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हो सकता है और उसका लालन पालन हो सकता है। क्योंकि अगर जो पेरेंट्स हैं, अगर जो हस्बैंड वाइफ हैं, मेल फीमेल हैं, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और संतान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसके अलावा जो तरह तरह की बीमारियां हैं, जिसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, वो भी लोगों को होने का खतरा रहता है। द टर्म सिंपली रिफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विथ नॉर्मल फंक्शन। तो ये जैसा हमने अभी समझा है। हाउएवर इट हैज ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड इंक्लूड्स द इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन आल्सो। तो इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट लिख रहा है, क्योंकि मनुष्य जो है एक सोशल प्राणी है, सोशल एनिमल है। तो इस सोसाइटी में रहने के लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान रखना भी जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है वो सोसाइटी में रहने लायक नहीं है। जिसकी जो जिसमें एसटीडी होता हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिनको हो गया हो, तो फिर वो सोसाइटी के लिए खतरा बन जाता है, इसलिए इसका ऐसा लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेल बींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। क्योंकि अगर आप एक रेपिस्ट की बात करें, तो भले ही वो बॉडीली सिस्टमली वो जो है वो हेल्दी है, लेकिन वो सोशली अनहेल्दी है। एक रेपिस्ट को ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो वो भी नहीं होना चाहिए। मतलब इस तरह से उसकी हेल्थ जो है वो पॉजिटिवली होना चाहिए, मतलब उसका बिहेवियर। देयरफोर ए सोसाइटी विथ पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल इंट्रैक्शंस अमंग देम इन ऑल सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स माइट बी कॉल्ड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। ठीक है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो फीमेल्स के लिए खतरा बन चुका है सोसाइटी में, भले ही वो फिजिकली हेल्दी है, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी है, लेकिन वो सोसाइटी के लिए अनहेल्दी हो गया, तो फिर वो भी रिप्रोडक्टिवली अनहेल्दी माना जाएगा। व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाट आर द मेथड्स टेकन अप टू अचीव इट? लेट अस एग्जामिन देम। तो कौन कौन से तरीके हैं, तो अब यहाँ से मेन चालू हो रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। देखिए, रिप्रोडक्शन के लिए मेन प्रॉब्लम दो होते हैं, या तो बिल्कुल बच्चे नहीं होना, या बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाना। ये दोनों ही प्रॉब्लमेटिक हैं। जिनके बच्चे नहीं होते हैं, उनमें ये चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि स्पर्म सही है कि नहीं, ओवम सही है कि नहीं, फीमेल होल्ड कर पा रही कि नहीं एम्ब्रियो को। तो अगर इनमें कहीं पर दिक्कतें हैं, तो उसके कारण से अगर वो कपल स्टराइल हो गया है, उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो हम कुछ ऐसी तकनीकें हम यूज़ करते हैं, टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे उनके बच्चे हो सके, है ना। तो पूरा जो मेडिकल साइंस है उनका हेल्प करता है, और ज़्यादातर कंडीशन में IVF वगैरह के द्वारा कहीं ना कहीं उनको संतान प्राप्ति हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाने की, है ना। जैसे देखें, किसी के 8 या 10 बच्चे तक हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे में ये प्रॉब्लम और बढ़ जाता है। फिर क्या करना है कि उनकी फैमिली प्लानिंग की प्लानिंग की जाती है, कि उनके 2-3 बच्चे अधिकतम हो, 2 बच्चे हों, उनके बाद वो बच्चे ना हों। तो इसके लिए भी बहुत सारे टेक्निक्स हमारे मेडिकल साइंस में, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम उनके बच्चे ज़्यादा हों, इसको रोका जाए, मतलब ज़्यादा ना हो, ऐसा किया जाए। ठीक है, इंडिया वॉज एमंग्स द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम्स एट नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल।
ये करीब हमारी आज़ादी जब 1947 में मिली तो उसके बाद करीब 5-7-10 साल बाद ये महसूस किया गया कि अब जो है जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। देखिए आपको पता है 1947 में जब हमको आज़ादी मिली थी तब हमारे भारत की जनसंख्या थी 33 करोड़। आज भारत की जनसंख्या जो 2020 में मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 133 करोड़ है। तो हमने 100 करोड़ जनसंख्या बढ़ा दिया है ना पिछले 70 सालों में। तो इतनी तेज़ी से अगर हमने जनसंख्या बढ़ाया है तो उसको रोकना उसको कम करना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। भारत की जनसंख्या ज़्यादा होना ये प्रॉब्लम है ना। तो उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स हैं, 1955 के आसपास से भारत सरकार ने बहुत सारी तकनीकें भारत में लागू की हैं, मतलब प्लान्स लागू की हैं, हम दो हमारे दो है ना, इनके इस स्लोगन के साथ उन्होंने लागू किया था अपने प्लान्स को, प्रोग्राम्स कॉल्ड दीज प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग वेयर इनिशिएटेड इन 1951। देखिए मैंने कहा ना 1955 के आसपास में काम किया गया एंड वेयर पीरियोडिकली एसेस्ड ओवर द पास्ट डिकेड्स। और हर 10 साल में हम जनसंख्या काउंट करते हैं कि अभी पिछले 10 साल पहले कितनी थी और अब कितनी है। जैसे देखिए अभी 2011 में जनगणना हुई थी, अब 2021 में जनगणना होने वाली है। तो ये जनगणना का काम शुरू हो चुका है, वैसे भी 2020 में ही चालू हो चुका है, कुछ कुछ काम उस पर NPR वगैरह करना चालू हो चुके हैं। तो अब 2021 में जब जनगणना होगी तब ये एक्चुअल पता चलेगा कि पिछले 10 सालों में हम लोगों ने कितनी जनसंख्या बढ़ाई है ना, और इसकी क्या रेट रही है ना, जो बर्थ रेट है डेथ रेट है ये कितनी रही है, 10 साल पहले कितनी थी 10 साल बाद। क्योंकि अभी देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, बहुत सारे राज्यों ने गरीबों को फ्री में खाना फ्री में चावल इस टाइप की चीज़ें देना शुरू कर दिया। उससे प्रॉब्लम ये हुई कि एक तो वो लोग काम करना नहीं चाहते हैं अब उनको, चूँकि खाने वगैरह को फ्री में मिल जा रहा है। दूसरा ये है कि उनकी चिंता खत्म हो गई क्योंकि उनके कर्जे माफ़ कर दिए गए, उनको खाने फ्री में दे दिया गया और उनको बहुत सारे कर्जे और दे दिए गए। तो उनको चूँकि ये महसूस होने लग गया कि सरकार हमारी जो पालन पोषण फ्री में करती है, तो उन्होंने जनसंख्या बढ़ाना और ज़्यादा चालू कर दिया। जैसे कुछ राज्यों में, मैं नाम तो नहीं लूँगा, कि जनसंख्या वृद्धि दर जो है बर्थ रेट जो है वो पिछले 10 सालों की तुलना में इस 10 साल में ज़्यादा हुई है, कंट्रोल होने की बजाय बढ़ गई है। क्योंकि गरीबों को ये आभास होने लग गया है कि अब हमको कोई चिंता नहीं करनी है, हमारी चिंता तो सरकार करती है, तो वो उन्होंने अनाप शनाप जनसंख्या बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी आने लग गई है पिछले 10-15 सालों में। इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम का नाम आप याद रखेंगे थोड़ा सा, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। इस प्रोग्राम के नाम के साथ हमने ये प्रोग्राम चालू किया है जिसमें हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करते हैं और चाइल्ड हेल्थ के बारे में बात करते हैं। क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा हो जाना भी एक समस्या है, कम हो जाना भी बहुत समस्या रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या रही कि बच्चों का लालन पालन कैसे हो रहा है। क्योंकि बच्चे 8-10 तो पैदा कर दे रहे हैं लोग, लेकिन उनको ठीक से खिला पा रहे हैं ना पिला पा रहे हैं ना, तो उनको सही ढंग से शिक्षा दिला पा रहे हैं, ये बड़ी समस्या रही भारत टाइप के देशों की। तो ये इस प्रोग्राम के तहत उसको देखा जाता है। क्रिएटिंग अवेयरनेस एमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप ए रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी आर द मेजर टास्क अंडर दीज प्रोग्राम्स। तो जैसा मैंने कहा लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है। देखिए जब 1951 में प्रोग्राम चालू किया गया था ये सब प्रोग्राम हम दो हमारे दो, तो बहुत लोगों ने इसको डिनाई कर दिया था, बोले नहीं हम तो 8-10 बच्चे जो पैदा कर रहे हैं क्योंकि बच्चे भगवान की देन है ना, ये ऊपर वाले की देन है ना, ये जितनी ज़्यादा जनसंख्या रहेगी जितने ज़्यादा हमारे बच्चे रहेंगे उतने ज़्यादा कमाने वाले रहेंगे, इस टाइप की थिंक थी लोगों की। लेकिन जब धीरे 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 पिछले 60-70 सालों में लोगों की मानसिकता बदली है, लोगों में एजुकेशन लेवल बढ़ा है। एक्चुअली क्या है, देखिए जनसंख्या टोटली एजुकेशन लेवल पे निर्भर करता है। जो पढ़ा लिखा इंसान है वो ये बात समझता है कि बच्चों का सही ढंग से पालन और सही ढंग से शिक्षा देना ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें बहुत खर्चे भी होते हैं, तो वो अपनी जनसंख्या को नियंत्रित रखते हैं, अपने बच्चों की संख्या को 1-2-3 तक ही सीमित रखते हैं। लेकिन जो अनपढ़ गंवार व्यक्ति है वो ये समझता है कि ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो ज़्यादा कमाने वाले रहेंगे, तो इस टाइप की थिंक रही है। तो जैसे जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ रही है इंडिया में, वैसे वैसे लोगों को ये बात समझ में आने लग गई है कि जनसंख्या को नियंत्रित रखना बहुत ज़रूरी है।
With the help of audiovisual and print media, governmental and non-governmental agencies have taken various steps to create awareness among the people about reproduction related aspects. तो हम देखते हैं टीवी में, सिनेमा में, है ना, और अखबारों में, पत्रिकाओं में, पंपलेट्स में, वॉल पेंटिंग्स में, बहुत सारी जगहों पे आपको तरह तरह के फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में जानकारी दी जाती है कि अगर आप जनसंख्या ज़्यादा हो रही है तो हम उनको कैसे रोक सकते हैं, आप क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या आप गोली खा सकते हैं या क्या हम फिजिकल बैरियर यूज़ कर सकते हैं। जनसंख्या ज़्यादा हो रही ना, उसको कंट्रोल करने की बात ज़्यादा होनी करनी पड़ रही है अब, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है इंडिया जैसे देश के लिए। पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स ऑल्सो हैव ए मेजर रोल इन द डिसमिनेशन ऑफ द एबव इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आसपास के लोग हैं, टीचर्स हैं, ये जरूर बच्चों को समझा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा ना कि एजुकेशन पे काफ़ी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जब कोई बात टीचर बोलता है ना तो बच्चे उस बात को जल्दी समझ पाते हैं, जल्दी उसको उसको एक्सेप्ट करते हैं। जो चीज़ पेरेंट बोलेगा बच्चों को ना, तो बच्चे उस चीज़ को कई बार एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब टीचर बोल देते हैं ना तो उसको ज़रूर समझ में आता है। तो टीचर्स का रोल इसमें काफ़ी बड़ा है कि हम जनसंख्या नियंत्रण की बात करें और बच्चों को समझाएं कि बेटा जब आगे तुम लोग माँ बाप बनने के उसमें आओगे, तब उस समय इस बात को ज़रूर सोचना कि एक बच्चे या दो बच्चे हम लें और उस समय हम उनको ज़्यादा अच्छे से शिक्षा दिला सकें। जैसे तुम्हारी शिक्षा मुश्किल से हो पा रही है, वैसे ही उनकी शिक्षा मुश्किल से ना हो पाए। क्योंकि देखिए, मैं जिस बेच कर रहा हूँ, हमारे समय जनसंख्या ज़्यादा थी लोगों की, तो शिक्षा बड़ी मुश्किल हो पाती थी। मतलब एक एक परिवार में 10-10 बच्चे होते थे, उनकी शिक्षा दीक्षा बड़ी मुश्किल से होती थी। लेकिन अब मैंने देखा कि जो पेरेंट्स हैं, पढ़े लिखे हैं, वो एक दो बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा अच्छे स्कूलों में पढ़ा पा रहे हैं, ज़्यादा अच्छे शिक्षा दीक्षा दिला पा रहे हैं। तो ये बातें लोगों को अब समझ में आने लग गई है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड आल्सो बी एनकरेज टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन टू द यंग्स सो एज टू डिस्करेज चिल्ड्रेन फ्रॉम बिलीविंग इन माइथ्स एंड हैविंग मिसकंसेप्शंस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। देखिए, ज़्यादातर ऐसा होता है कि 10 साल से 15-17-18 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनमें सेक्स के बारे में जानने की ज़्यादा इच्छा होती है, क्योंकि जस्ट उनमें प्यूबर्टी आ रही है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, लड़का लड़की कुछ भी, वो सेक्स के बारे में जानना चाहते हैं। और चूँकि भारत जैसे देश में सेक्स को गोपनीय चीज़ मानी गई है, उनके बारे में बात करना बैन रहा है सोसाइटी में, तो बच्चे क्या करते हैं, गलत मीडिया के द्वारा, गलत सिस्टम्स के द्वारा उनको समझने की कोशिश करते हैं और वो मिसगाइड हो जाते हैं और कई बार वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो ये अब होना चाहिए कि स्कूलों में, घरों में सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए कि बच्चे ये सही है, इस दिशा में जाना चाहिए। अगर आप गलत कदम उठाते हो तो उससे आपकी लाइफ किस तरह से बर्बाद हो सकती है, है ना, और किस तरह से आप सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के शिकार हो सकते हैं, कैसे एड्स फैल सकता है, है ना। ये चीज़ें लोगों को समझानी पड़ेगी और ये सेक्स एजुकेशन में चीज़ें होनी चाहिए। प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स एट्सेट्रा। देखिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, क्योंकि बच्चों को अपने शरीर में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके बारे में जानने की इच्छा होती है, तो सही ढंग से उनको बताना चाहिए कि बेटा अब ये फंक्शनल हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है और इसको आपको इस तरह से कंट्रोल में रखना है। एडोलिसेंस, क्योंकि जो किशोरावस्था है 10 से 15-20 साल 15-17 साल की उम्र, इस समय ये प्रॉब्लम ज़्यादा ही होती है। रिलेटेड चेंजेस, शरीर में बहुत परिवर्तन आते हैं मेल फीमेल दोनों में, उनके बारे में उनको समझना पड़ेगा। सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, देखिए सेक्सुअल प्रैक्टिस के मतलब सिर्फ ये सेक्सुअल रिलेशन से नहीं है, उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, सेक्स से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसमें सेफ और हाइजेनिक मेथड कैसे अपनाई जा सकती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या है, कैसे ये डिजीज़ फैलते हैं, है ना, और एड्स के बारे में तो लगभग सभी जानते ही हैं, इन चीज़ों के बारे में बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। वुड हेल्प पीपल स्पेशली दोस इन द एडोलिसेंट एज ग्रुप टू लीड ए रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ। तो इन चीज़ों के बारे में जब हम बच्चों को बताएंगे तो वो आगे चल के सही दिशा में जा सकते हैं। एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड दोस इन मैरिजेबल एज ग्रुप अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, पोस्टनेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड एट्सेट्रा, वुड एड्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज ऑफ डिजायर्ड साइज। देखिए,
बच्चे बड़े हुए, अब उनकी शादी की बात हो रही है, तो उनको ये जानकारी होना ज़रूरी है कि जो बर्थ कंट्रोल है ना, गर्भ निरोध के क्या क्या साधन है ना, उनकी जानकारी उनको होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये जानकारी उनको नहीं है तो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा हो जाएंगे, वो समस्या हो जाएगी। दूसरा ये है कि जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस समय उसका कैसा केयर रखना है, हालांकि इस बारे में घर वाले काफ़ी जानते हैं, बड़े बुजुर्ग जानते हैं, तो वो तो हो जाता है, पोस्टनेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड ये भी लगभग हो जाता है, लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स की रोल जो होती है उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि अभी भी जो पिछड़े इलाके हैं, भारत जैसे देशों के गरीब इलाके हैं, वहाँ पर सारा चीज़ घर में होता है, हॉस्पिटल नहीं ले जाते हैं, तो कई बार मदर की या उसके चाइल्ड की वो डेथ भी हो जाती है या वो बहुत गंभीर बीमार पड़ जाते हैं। तो ये ना होना चाहिए, उनको प्रॉपर हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी है डिलीवरी के समय, उसके बाद बच्चे की देखभाल हॉस्पिटल के गाइडलाइन में होना चाहिए मदर की, है ना। ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस अब शहरी लोगों को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि गांव के लोग तो ब्रेस्ट फीडिंग कराने में कोई दिक्कत नहीं फील करते, वहाँ की महिलाएँ और जो थोड़ा सा लेस एजुकेटेड हैं वहाँ ब्रेस्ट फीडिंग की समस्या नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग की समस्या हाईली एजुकेटेड सोसाइटी में है, वहाँ की महिलाएं नहीं कराना चाहती ब्रेस्ट फीडिंग, उनको लगता है इससे फिगर ख़राब हो जाएगा, जो मेमोरी ग्लैंड है वो लूज़ हो जाएंगे, इस टाइप की फीलिंग्स हैं। तो उनको ये बताना ज़रूरी है कि भी ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे की इम्यूनिटी ग्रो करती है, पहली बात। तो दूसरी बात आपको बता दें कि जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती है उसके जो मेमोरी ग्लैंड है उसमें कैंसर होने का, जिसको ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, उसका कई गुना ज़्यादा चांस बढ़ जाता है, है ना। और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को ये समस्या कम से कम होती है, तो इसके बारे में बताना उनको ज़रूरी है, ठीक है। और अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल एविल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स एटसेट्रा नीड टू बी क्रिएटेड टू एनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिवेंट देम एंड देयर बाय बिल्ड अप ए सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी। देखिए ज़्यादा बड़ी जनसंख्या कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये तो बताना ज़रूरी है, साथ ही साथ बच्चों को इस बात के लिए भी सावधान और सुरक्षित रखने की ज़रूरत होती है, उनको समझाने की ज़रूरत होती है कि बेटा जो समाज है, जो क्राइम है, उससे कैसे बचना है। क्योंकि आप देखे हैं निर्भया जैसे केस हुआ भारत में, है ना, कि लड़कियों को इन टाइप के क्रिमिनल लोगों से बचाना आज बड़ी मुश्किल वाली बात हो गई है। तो लड़कियों को समझाना पड़ेगा कि देखो भाई, लड़के और जो क्रिमिनल्स हैं वो तो अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन आपको सोचना है और आपको इस तरह के सिस्टम में रहना है कि आपके ऊपर खतरे ना आए। क्योंकि देखिए जहाँ पर लापरवाही होती है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये लड़कियों के मामले में भी बिल्कुल सही बात है। लड़कियों को ये समझाना पड़ेगा, लड़कों को भी समझाना चाहिए कि बेटा ये क्राइम तो लोग कर लेते हैं एक्साइटमेंट में, लेकिन उसके बाद उनको फांसी में लटकना पड़ता है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके ठीक दो दिन पहले निर्भया के भारत में बड़ी केस हुई थी, निर्भया, हाँ, उसके चार आरोपियों को फांसी में लटकाया गया है, है ना। तो क्या लड़के इस बात को ध्यान दिए हैं कि फांसी में भी लटकना पड़ सकता है। ये चीज़ें लड़कों को भी बताना जरूरी है, लड़कियों को तो सेफ रहने की टेक्निक उनको ट्रेनिंग देनी ही चाहिए, लड़कों को भी देनी चाहिए कि बेटा ऐसा है और आप एक्साइटमेंट में कुछ भी गलत ना करें जिससे आपको जेल भुगतना पड़े या आपको फांसी में तक में लटकना पड़े। ये चीज़ें लड़कों को भी बताने की जरूरत है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड मटेरियल सपोर्ट। तो ठीक है, देखिए इसके लिए हॉस्पिटल्स की और स्कूल्स की, कॉलेजेस की ये बड़ी रोल है कि वो समझाएं कि भाई ऐसा चीज़ें हैं, ऐसी टेक्निक्स हैं, है ना, ये मेथड्स हैं, इनको अपने जीवन में यूज़ करो, अप्लाई करो, तो आप इन समस्याओं से भी बचे रहोगे और आपको ये आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। दीज आर एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडी, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी एटसेट्रा। तो अब देखिए क्या क्या समस्या आ सकती है। प्रेगनेंसी वांटेड है तब तो ठीक है, लेकिन अनवांटेड प्रेगनेंसी ये तो बड़ी समस्या है, तो उसके बारे में बात करनी चाहिए। डिलीवरी के समय क्या समस्या आएगी, क्या हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए, और ले जाना चाहिए तो क्यों ले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ सेफ्टी है बच्चे के और मदर के लिए सेफ्टी है। एसटीडी क्यों होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो मल्टीपल सेक्स रिलेशन, चाहे वो महिला के हों या पुरुष के हों, अगर एक से ज़्यादा लोगों के साथ उनके सेक्स रिलेशन है तो ये फैलने के खतरे 100 गुना ज़्यादा हो जाते हैं। तो इनसे बचना है तो जो है अपने को लिमिटेड रखना पड़ेगा, किसी एक सेक्स पार्टनर के साथ ही रहना पड़ेगा। एबॉर्शन
भी वांटेड है कि अनवांटेड है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी अनवांटेड है तो उसका नतीजा एबॉर्शन में जाके ख़त्म होता है, और एबॉर्शन अगर एक्सपर्ट डॉक्टर से नहीं हुआ, झोला छाप डॉक्टर से हुआ, तो फिर मदर की जान खतरे में जाती है, तो इसके बारे में बात करना पड़ेगा। कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब गर्भ निरोध, कि हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को कैसे रोक सकते हैं, क्यों वो प्रेगनेंसी हो ही ना, तो कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स हमको जानने चाहिए। मेस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, ये फीमेल्स को तो 50% फीमेल्स को होती है मेस्ट्रुअल प्रॉब्लम, मतलब क्या कि उसका मेस्ट्रुअल साइकिल सही नहीं आता है, या तो आगे आएगा, पीछे आएगा, कम आएगा, ज़्यादा आएगा, कहीं ना कहीं दिक्कतें होती ही हैं। ज़्यादातर महिलाओं को, ज़्यादातर फीमेल्स को मेस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है। इनफर्टिलिटी, बच्चे ना होना, ये आजकल मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा हो रहा है। देखिए मेट्रो सिटीज़ में जो कपल्स हैं वो इरेगुलर लाइफ स्टाइल जीते हैं, देर तक जागना, देर तक रात तक काम करना, फिर लेट नाइट्स होकर के दिन में देरी तक सोना, है ना, जंक फूड खाना, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेना, एक ही जगह बैठ के घंटों काम करना, है ना। तो इस टाइप की चीज़ें जब लोगों में आने लग गई लाइफ स्टाइल, तो उनमें स्पर्म बनाने की क्षमता कम होने लग गई है, ये भी प्रॉब्लम है, या ओवम बनाने की या होल्ड करने की प्रेगनेंसी को फीमेल में, ये बहुत सारी समस्याएं आने लग गई हैं। तो उनके कारण क्या है ये जानना पड़ेगा और उनका इलाज कराना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स एंड न्यू स्ट्रेटजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम आर आल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंट टू पीपल। तो नई टेक्निक क्या आ रही हैं गर्भ निरोध के लिए, या जो स्टेरिलिटी है उसको हटाने के लिए जो नई तकनीकें हैं उनके बारे में जानकारी होना जरूरी है लोगों को। तो वैसे तो आजकल जो हॉस्पिटल्स हैं, जब कोई नई टेक्निक है वो लोग अप्लाई करते हैं अपने हॉस्पिटल में, तो वो लोग एडवर्टीजमेंट के द्वारा बताते हैं कि ये IVF सेंटर खुला है, यहाँ हमारे पास ये मशीनें हैं और हम इस तरह से इनफर्टाइल लोगों की हेल्प करते हैं, उनको बच्चे लेने में मदद करते हैं। इस टाइप की चीज़ें एडवर्टीजमेंट से जानी जाती हैं, और साथ में बाकी जो मीडिया है वो ये काम कर सकती है। स्टेटरी बैन ऑन एमनियोसिंथेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मीन्स ऑफ फीमेल फिटिसाइड। अब देखिए कन्या भ्रूण हत्या की बात कर रहा है, यहां पर एक टेक्निक का नाम लिखा है एमनियोसिंथेसिस। ये क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए जो हमारे में एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के ऊपर कुछ मेम्ब्रेन्स होते हैं जिनको फीटल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, जिसमें चार मेम्ब्रेन है मेन, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस और योग सेक। चार मेम्ब्रेन एम्ब्रियो के ऊपर रहते हैं, फीटस के ऊपर रहते हैं, जिसको फीटल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं। तो इनमें एक मेम्ब्रेन जैसा मैंने नाम लिया, उसका नाम है एमनियन, एक मेम्ब्रेन का नाम है। उस मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, और उस एमनियोटिक फ्लूइड में एम्ब्रियो तैरते रहता है, एम्ब्रियो को वो सूखने से बचाता है, धक्के से बचाता है, बहुत सारी चीज़ों से वो सुरक्षा करता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो शुरू में जब प्रेगनेंसी होती है तो उसी एमनियोटिक फ्लूइड को इंजेक्शन से थोड़ा सा निकाल लेते हैं, तो एमनियोटिक फ्लूइड में जो एम्ब्रियो तैर रहा है ना उसके भी कुछ सेल्स उसमें आ जाते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में। अब वो जो सेल्स आए हैं एम्ब्रियो के, उन सेल्स को हम एग्जामिन करते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं उसके। तो उस ये जो टेक्निक है जिसको हम एमनियोसिंथेसिस कहते हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये एक्चुअली इन्वेंट किया गया था एम्ब्रियो में किसी प्रकार की जेनेटिक डिजीज हो तो उसको पता लगाने के लिए। जैसे मान लो उसमें डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है, या फिर टर्नर सिंड्रोम है, या एडवर्ड सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है, है ना, सिकल सेल एनीमिया के जीन्स दिख रहे हैं, या थैलेसीमिया के जीन्स दिख रहे हैं, जेनेटिक डिजीज का पता लगाने के लिए इस सिस्टम की खोज की गई थी। लेकिन इससे यह भी तो पता चल जाएगा कि एक्स एक्स है कि एक्स वाई है उसमें क्रोमोसोम, अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो लड़की हो रही है, एक्स वाई क्रोमोसोम है तो लड़का हो रहा है। तो इस टेक्निक का प्रयोग जेनेटिक डिजीज को जानने के लिए तो नहीं किया गया ज़्यादा बड़े लेवल में, लेकिन इसको लड़का लड़की जानने के लिए इस टेक्निक का प्रयोग किया जाने लगा। अब समस्या ये आने लग गई कि भाई लड़का लड़की जब पता चल गया किसी व्यक्ति को कि मेरे गर्भ में या लड़का है कि लड़की है, तो वो लड़की को मारने लग गए, कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है। और इससे समस्या आने लग गई कि देश में लड़कियों की पैदाइशी कम होने लग गई, सेक्स रेशियो बिगड़ने लग गया। एक तो कन्या भ्रूण हत्या बहुत बड़ा पाप है जैसा मैं समझता हूँ, पता नहीं आप क्या समझते हैं, मुझे लगता है आप भी वही समझते होंगे जो मैं समझ रहा हूँ। हालांकि देखिए एमनियोसिंथेसिस बैन किया गया तो सोनोग्राफी से पता चलने लग गया। सोनोग्राफी, आज किसी भी सोनोग्राफिस के पास आप चले जाइए, जिसके पास सोनोग्राफी है, आप उसको बोलिए कि सर मैं 20,000 रुपये दे रहा हूँ और मुझे ये बता दीजिए बस कि लड़का है कि लड़की है, वो तुरंत एग्री हो जाएगा।
हालांकि गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि हमने बहुत कड़े नियम बनाए हैं, ये चीज़ नहीं होता है, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिस में ये चीज़ बहुत कॉमन है। ठीक है, आप जाइए ना किसी भी सोनोग्राफी सेंटर में, किसी पहचान वाले को लेके जाइए, बोलिए कि हमको ये कराना है, वो तुरंत एग्री हो जाएगा। तो ये भारत की बहुत बड़ी समस्या रही है एमनियोसिंथेसिस सोनोग्राफी के द्वारा लड़का लड़की पता करने की, और अगर लड़की है तो उसको गर्भ में मार देने की। तो ये चीज़ें लोगों को समझानी पड़ेगी आप आज के डेट में कि भाई जो लड़की है वो पीटी उषा भी हो सकती है, वो कल्पना चावला भी हो सकती है, वो सानिया मिर्जा भी हो सकती है, वो साइना नेहवाल भी हो सकती है, तो वो आपका भी नाम कमा सकती है। आप उसको प्रॉपर शिक्षा देंगे तो वो भी लड़के जैसा काम कर सकती है, उनमें कोई भेद नहीं है, है ना। ये चीज़ें लोगों को समझानी पड़ेगी। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एट्सेट्रा। देखिए, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन वैक्सीन लगाना, बच्चों को जन्म के बाद से 5 साल की उम्र तक सारे वैक्सीन लगाने रहते हैं, लगभग 5 साल की उम्र तक। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 8 साल की उम्र से लेकर के 15 साल की उम्र तक जो यूटेरस कैंसर की वैक्सीन है लड़कियों को, वो लगानी पड़ती है। ठीक है, अब ये वैक्सीन अभी कुछ सालों से आई है, जिसको अपन सर्वेरिक्स के नाम से जानते हैं। हालांकि थोड़ी महंगी वैक्सीन है, 2000 रुपये की एक वैक्सीन आती है, और कम से कम 2 या 3 वैक्सीन उसकी लगानी पड़ती है लड़की को 8 साल से 15 साल की उम्र में। ये ज़्यादा काम करता है, 2 वैक्सीन लगाएंगे तो हो जाता है उससे। तो ये वैक्सीनाइजेशन जो है, इम्यूनाइजेशन जो है, ये बच्चों को कराना जरूरी है, शुरू से जन्म के तुरंत बाद से चालू हो जाता है। तरह तरह के इंजेक्शन हैं, पोलियो ड्रॉप्स हैं, है ना, हेपेटाइटिस के लिए है, BCG है, TB के लिए, है ना, बहुत सारी बीमारियों के लिए तरह तरह के वैक्सीन्स आ गए हैं। आगे हम ह्यूमन डिजीज़ वाले चैप्टर में इसको थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। तो वो प्रॉपर कराना जरूरी है, लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई हॉस्पिटल में फ्री में मिलता है। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए तो जितने मेन वैक्सीन्स हैं वो तो फ्री में मिलते हैं। हालांकि कुछ निश्चित दिन निर्धारित रहते हैं कि बुधवार या सोमवार या शनिवार, ऐसे वो लगाते हैं उसको, लेकिन वो फ्री में लगाते हैं और वो कार्ड बना के देते हैं कि आप इसमें डेट वाइज एंट्री करते जाइए कि इनको ये चीज़ें लगाई गई हैं। इम्यूनाइजेशन एट्सेट्रा और सम प्रोग्राम दैट मेरिट मेंशन इन द कनेक्शंस। ठीक है, ये जरूरी है। इन एमनियोसिंथेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फीटस इज टेकन टू एनालाइज द फीटल सेल्स एंड डिसॉल्व सब्सटेंसेस। दिस प्रोसीजर इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स सच एज डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एटसेट्रा, डिटरमाइन द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द फीटस। तो मैंने अभी एमनियोसिंथेसिस के बारे में जो बताया वही चीज लिख रहा है कि एक्चुअली इसका आविष्कार जो है एमनियोसिंथेसिस का, वो जेनेटिक डिजीज पता करने के लिए हुआ था, लेकिन बाद में उसको लड़का लड़की पता करने के लिए किया जाने लगा। रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर इनकरेज्ड एंड सपोर्टेड बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज टू फाइंड आउट न्यू मेथड्स एंड और टू इम्प्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, तो रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज, तो इसमें 2 ही एरिया मेन है, वैसे 3 एरिया समझ लें, 2 मतलब क्या क्या है। एक तो स्टेराइल कपल है तो उसके बच्चे कैसे हो सकते हैं, दूसरा ज़्यादा बच्चे ना हो इसको कैसे रोका जा सकता है, तीसरा कि अगर कोई बीमारी हो गई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियाँ, तो उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, इस पे रिसर्च हुआ है काफ़ी ज़्यादा। डू यू नो दैट सहेली, देखिए सहेली जो है ये गर्भ निरोधक गोली है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, शुरू से बताऊं कि ये करीब 40 साल पहले, आज 2020 है तो 40 साल पहले 1980 के आसपास, 1970-80 के दशक में सबसे पहले गर्भ निरोधक गोलियां जो हैं मार्केट में ज़्यादा मात्रा में आनी शुरू हुई। उस समय माला डी, माला एन, इनके नामों से गर्भ निरोधक गोलियाँ, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मार्केट में आए, जो प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन के बने हुए थे। इनको लेकिन महीने में लगभग रोज जो है कम से कम 21 दिन तक रोज 1 टेबलेट लेना पड़ता था। महिलाओं ने इसको हाथों हाथ लिया क्योंकि वो बेचारी ज़्यादा जनसंख्या, ज़्यादा बच्चे होने के लिए प्रॉब्लम में थे, हर साल एक बच्चा हो जा रहा था, रोकने का कोई साधन उनके पास नहीं था, तो उन्होंने हाथों हाथ इसको लिया और ये मार्केट में बहुत प्रचलित हो गया। लेकिन समस्या क्या थी, इसको लेने से कुछ साइड इफेक्ट थे पहली बात, तो दूसरा कि रोज लेना पड़ता था, अगर किसी दिन भूल गए तो फिर अगले दिन 2 लेना पड़ता था, और 3-4 दिन तक भूल गया तो फिर क्या करेंगे, फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती थी, समस्याएं बहुत थी। तो फिर जो है CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ CDRI, इन्होंने एक कॉन्ट्रासेप्टिव बनाई सहेली। पहली बात कि नॉन स्टेरॉयडल है,
नॉन स्टेरॉयडल का मतलब इसमें हार्मोन्स नहीं है। दूसरी बात ये, इसको रोज लेने की जरूरत नहीं है, इसको हफ्ते में एक टेबलेट लेने की जरूरत है सहेली को। तो अब ये जो सहेली है ये मार्केट में ज़्यादा प्रचलित होने लग गई। हालांकि देखिए गर्भ निरोधक गोलियाँ जो हैं आज भी कम ही मात्रा में यूज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा ये नहीं होती हैं ना, लेकिन सहेली फिर भी ठीक रहा। हालांकि आजकल कुछ और ऐसे टेबलेट आ गए हैं जो 6-6 महीने तक के लिए गर्भ निरोधक का काम करते हैं, तो उनको भी अब मार्केट में लाया जा रहा है। सहेली ए न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स वॉज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इन लखनऊ इंडिया। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्टनेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मेटरनल एंड इन्फेंट मोर्टलिटी रेट। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हॉस्पिटल में अगर डिलीवरी कराई जाए तो माँ और बच्चे के जान पे ज़्यादा खतरा नहीं होता, वो लोग बचा ले जाते हैं। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विथ स्मॉल फैमिलीज, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये लोगों को समझाना पड़ेगा। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STD, अगर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया मान लो किसी को, तो कैसे उसको डायग्नोस करेंगे और कैसे उसको क्योर करेंगे। एंड ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स एट्सेट्रा। तो सभी सेक्स रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन पे कैसे हम मेडिकल असिस्टेंस दे सकते हैं, उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। ऑल इंडिकेट इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, ये जरूरी है एक हेल्दी सोसाइटी के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी के लिए ये चीज़ें जानना जरूरी है। ठीक है, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है भारत में, ये लागू करना और इसको अपनाना बहुत ज़रूरी है। आज भारत की जनसंख्या 135-135 करोड़ हो चुकी है, 150 करोड़ के आसपास पहुंच रही है, क्योंकि कुछ जो अनरिकॉर्डेड जनसंख्या है वो भी भारत में जुड़ चुका है, जो दूसरे देशों से आके बस गए हैं वो जुड़ा हुआ है लेकिन वो अनरिकॉर्डेड है। तो मेरे हिसाब से करीब 1.5 करोड़ की जनसंख्या, सॉरी 1.5 अरब की जनसंख्या, 150 करोड़ की जनसंख्या भारत की हो चुकी है, इतनी बड़ी जनसंख्या। उसके बाद भी लगातार लोग 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो उनको समझाना जरूरी है कि आप इतने बच्चे मत पैदा करो, आप कहाँ से खिलाओगे, क्या पिलाओगे, कैसे उनको रोजगार दिलाओगे और कैसे तो उनको पढ़ाओगे। ये चीज़ें जब लोगों को समझ में आने लग जाएगी, हालांकि कुछ लोग इसको समझने के लिए तैयार नहीं है, वो लोग बोलते नहीं ये तो भगवान की देन है, ये तो ऊपर वाले की देन है, वो अपने गॉड को बताते हैं कि उनकी देन है, तो उनकी देन नहीं है, ये आपकी देन है। अगर आप इन सब मेथड्स को अप्लाई करें तो आपका जनसंख्या नियंत्रित रह सकता है और आपका परिवार सुखी रह सकता है, क्योंकि अगर कम बच्चे हैं तो आप उनको बेटर एजुकेशन दिला सकते हो, नौकरियों में लगा सकते हो, बेहतर कमा सकते हैं, आप उनकी बेहतर शिक्षा दीक्षा और पालन पोषण कर सकते हैं। इन द लास्ट सेंचुरी इन ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल, तो लोगों ने अपना जीवन स्तर सुधार लिया है पिछले 100 सालों में। मतलब 100 साल पहले के लोग जिस तरह के रहते थे और आज हम लोग जिस तरह से रह रहे हैं, दोनों के जो लाइफ स्टाइल है उसमें बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। पहले लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं होती थी, मोबाइल नहीं होता था, फ़ोन नहीं होता था, है ना, बिजली नहीं थी, है ना, पंखे नहीं चलते थे, AC नहीं चलते थे, गाड़ी घोड़े नहीं थे, तो गाड़ी नहीं थी, मतलब घोड़े तो थे, गाड़ी नहीं थी। तो आज देखिए सब चीज़ें हैं आपके पास, तो आपकी लाइफ स्टाइल कितनी बदल गई है। हाउएवर इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटीज अलॉन्ग विद बेटर लिविंग कंडीशंस हैड एन एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए जनसंख्या बढ़ने के पीछे ज़्यादा बच्चे होने ये तो एक बड़ा कारण है, लेकिन इतना ही बड़ा कारण एक और है, वो है बच्चों की मौतें कम होना। पहले बच्चे घर में होते थे और कुछ बच्चे मर जाते थे, माँ भी मर जाती थी कई बार तो, लेकिन आज के डेट में बच्चे हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हैं तो उनकी डेथ रेट काफ़ी कम हो गई है। चाइल्ड डेथ रेट, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट ये काफ़ी कम हो गई है, ये भी जनसंख्या बढ़ने का एक बड़ा कारण है, क्योंकि नेटिलिटी रेट यानी बर्थ रेट तो बहुत ज़्यादा कम नहीं हो पाई, लेकिन डेथ रेट कम हो गई बच्चों की, तो जो मरने वाले बच्चे थे उनकी संख्या कम हो गई, इसके कारण से भी जनसंख्या ज़्यादा हो गई भारत की। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2 बिलियन इन 1900, सन 1900 में पूरे विश्व की जनसंख्या 2 अरब थी 1900 में, और सन 2000 में यानी 100 साल में ये जनसंख्या 6 अरब हो गई, 2 अरब से 6 अरब 100 साल में इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी। ये देखिए रॉकेटेड मतलब रॉकेट की स्पीड से बढ़ा, अबाउट 6 बिलियन बाय 2000 एंड 7.2 बिलियन इन 2011। देखिए 100 सालों में 2 अरब से 6 अरब हुआ,
और अगले सिर्फ 11 सालों में 6 अरब से 7.5 अरब 7.2 अरब हो गए। अब सोचिए कितनी तेजी से बढ़ रही है। अगर इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ी तो क्या बचेगा? ना जंगल बचेंगे, ना खेत बचेंगे, घरों में जगह नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा, लोगों में युद्ध होगा, मारकाट मचेगी, सारी चीज़ें होंगी, भुखमरी बढ़ेगी, रोग बढ़ेंगे, महामारी बढ़ेगा। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैला हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं आप ये वीडियो कब देखेंगे। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस फैला हुआ है जिसका अभी तक, आज के डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तब तक उसका कोई इलाज भी नहीं खोजा जा चुका है, है ना, और लोग मर रहे हैं इससे। भारत में आज लॉकडाउन की स्थिति है आज के डेट में। आज यहाँ पर जो है 23 तारीख हो गया है, 23 जो है 23 मार्च है ये 2020 का। आज भारत लॉकडाउन की स्थिति में है, मतलब सारा देश जो है बंद है, मतलब घरों में लोग दुबके पड़े हैं उस वायरस की डर से। तो इस टाइप की चीज़ें जो हो रही ना, वो कहीं ना कहीं ये जनसंख्या से रिलेटेड है। आप जब प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करेंगे, आप हर चीज़ को उसके विरुद्ध काम करेंगे, तो प्रकृति फिर इसको कंट्रोल करती है, आपको एकदम से घुटनों के बल बैठा देती है। एक छोटा सा वायरस है और वो आपको पूरे मानव जाति को घुटने के बल पे बैठा के रखा है। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं, ये जनसंख्या और जो लोग हैं उन्होंने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, प्रकृति के विरुद्ध गए, इस कारण से ये फैला है। ठीक है, ए सिमिलर ट्रेंड वॉज ऑब्जर्व इन इंडिया टू। भारत में इसी तरह की जनसंख्या वृद्धि देखी गई। ये तो पूरे विश्व का दिया कि 100 साल में 2 से 6 अरब और अगले 11 साल में 7.2 हो गए। भारत में करीब करीब ऐसा हुआ, जैसा मैंने बताया कि जब भारत को आज़ादी मिली थी तो 33 करोड़ जनसंख्या थी और आज 133 करोड़ जनसंख्या है, है ना, तो इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई। आवर पॉपुलेशन विच वॉज अप्रॉक्स 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, ये देखिए 35 करोड़ जनसंख्या, रीच क्लोज टू द बिलियन मार्क बाई 2000, जो 2000 तक 35 करोड़ से 100 करोड़ हो चुका और 2011 तक ये 125 करोड़ हो चुका और आज ये 2020 है और ये करीब 135-40 करोड़ के आसपास हो चुकी है। ए रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट, मेटरनल मॉर्टलिटी रेट एंड इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट एज वेल एज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल एंड रिप्रोडक्टिवेबल एज आर प्रोबेबल रीजन फॉर दिस। तो जैसा मैंने कहा था, देखिए कि बच्चों की मौतें कम हो गई है ना, ये इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, जो नया बच्चा पैदा हो रहा है एकदम, वो उनकी मौतें कम हो गई और मेटरनल मॉर्टलिटी रेट मतलब मदर की मौत, मतलब जो माँ बन रही है उसकी मौत, ये भी कम हो गई और मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गए। दूसरा चीज़ ये है कि यंग लोगों की जो यंग एज है, जो रिप्रोडक्टिव एज है, 20 साल से लेके 50 साल 55 साल 60 साल की जो बीच की उम्र है जिसमें लोग रिप्रोडक्शन करते हैं, उनकी एज के लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई। मतलब भारत युवाओं का देश है, आप ये कह सकते हो, युवाओं की जनसंख्या बढ़ गई, तो ज़्यादा तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी। थ्रू आवर रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ RCH, अभी मैंने कुछ देर पहले इस प्रोग्राम के बारे में बात किया था, दो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, हमने कुछ हद तक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम किया है। ठीक है, आज के डेट में भारत की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो है 21 पर 1000 पर ईयर, मतलब एक साल में 1000 लोगों के बीच में 21 लोग पैदा हो रहे हैं, 21। ठीक है, ये आज का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। इट वॉज ओनली मार्जिनल, क्या कि हमने कितना कंट्रोल किया है, तो बहुत मामूली। कारण मैं बता रहा हूँ कि जो भी सरकारें आ रही ना, वो गरीबों को फ्री में सब कुछ देंगे के वादे के साथ आ रही हैं, हम ये आपको फ्री में देंगे, हम आपको वो फ्री में देंगे, और वो देते भी हैं। जब जैसे गवर्नमेंट में आ जाते हैं वो देते हैं, क्योंकि अगली बार फिर उनको चुनाव जीतना रहता है। तो गरीबों में, अनपढ़ लोगों में, जो कि भारत की बड़ी जनसंख्या अनपढ़ गवारों की है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम आने लग गई कि उनको हर चीज़ फ्री में मिलने लग गया, तो उन्होंने जनसंख्या बढ़ानी शुरू कर दी। जो आज से 10 साल पहले जिनके 2 बच्चे थे, आज 10 साल बाद उनके कम से कम 7-8 बच्चे हो गए हैं। ये तो मैं अपने आसपास देखता हूँ, मैं भी गांव का ही रहने वाला हूँ, मेरे गांव में आसपास में जो पुराने लोग रहते हैं, उन लोगों ने देखा कि अब फ्री में चावल मिल रहा है, फ्री में हर चीज़ खाने को मिल रहा है, तो उनके 8-10 बच्चे हो गए हैं, है ना, और वो सभी फ्री में पढ़ रहे हैं, फ्री में उनको सब कुछ मिलता है, खाने को भी मिलता है, स्कूलों में भी फ्री में है, यूनिफॉर्म बुक्स हर चीज़ फ्री में मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिलता है, है ना, नौकरियां फ्री में मिल रही हैं उनको, काम फ्री में, मतलब हर चीज़ तो फ्री में मिल रहा है ना। इसके कारण से वो जनसंख्या तेज़ी से बढ़ा रहे हैं।
अगर ये चीज़ें फ्री में मिलनी बंद हो जाए तो वो लोग सोचेंगे ना कि अब हमको भी मेहनत करना है, हमको कैसे पालना है, ये सोचना है, तो फिर जनसंख्या कम हो पाएगी, है ना, ये दिक्कत है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, 2011 में जो जनसंख्या जनगणना हुई थी, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज लेस देन 2%, है ना। मतलब क्या, ये देखिए मैंने कहा ना 21 है 21, ये देखिए 20 यहाँ पर दिया है, 1000 में एक साल में 20 लोग बढ़ रहे हैं, मतलब 1000 लोगों की जनसंख्या है तो एक साल में वो 20 लोगों को बढ़ा दे रहे हैं, 20 बच्चे पैदा कर दे रहे हैं। ए रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली, ये बहुत तेज है भाई, एक साल में अगर 1000 लोगों में 20 बच्चे पैदा हो गए तो सोचिए कि आपके शहर की जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है, ये बड़ी बात है। सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू एन एब्सोल्यूट स्कैरसिटी ऑफ इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट दैट इज फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड इन दोज एरिया। तो खाने के लिए नहीं मिलेगा, काम नहीं मिल पाएगा, है ना, रहने के लिए घर की दिक्कत है, हर चीज़ की दिक्कतें हैं, ज़्यादा जनसंख्या, फिर लोग क्या करते हैं जंगलों को काटते हैं, वहाँ खेत बना लेते हैं, वहाँ घर बना लेते हैं, जंगल नष्ट होते जा रहे हैं। जब भारत को आज़ादी मिली थी तो भारत का करीब 35% एरिया जंगलों से ढका हुआ था और वो जंगल बहुत घने जंगल थे। आज 2020 में मैं आपको बता रहा हूँ भारत का करीब 19% एरिया, मतलब करीब आधा हो गया, 19% एरिया ही जंगल से ढका हुआ है और उस जंगल की जो डेंसिटी है वो भी आधी हो गई, मतलब क्या एक चौथाई रह गया, क्योंकि एक तो एरिया आधी हो गई और उसकी डेंसिटी आधी हो गई, तो टोटल में 1/4 हो गया। तो आप सोचिए कि पिछले 70 सालों में हमने भारत की इतनी दुर्गति कर दी, उनके जंगलों को इस तरह से नष्ट कर दिया, आप सांस कहाँ से लोगे। आप देखिए कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, यहाँ पर जंगलों का जो एरिया है वो सिर्फ 1.5% से लेकर 2.5% एरिया है मात्र, जबकि आपको बता दूं कि सही ढंग से सांस लेने के लिए आपको किसी भी एरिया में 30-35% एरिया जंगल होना जरूरी है, तब आपको प्रॉपर ऑक्सीजन और प्रॉपर हर चीज़ मिल पाएगा। लेकिन देखिए इन एरिया में 1.5%, 2%, 2.5% एरिया में जंगल है। हाँ कुछ अलग से राज्य हैं जैसे छत्तीसगढ़ है 45% है, MP है उसमें 45% के आसपास है, अरुणाचल प्रदेश में 45% है, तो इन एरिया में तो जंगल ज़्यादा हैं, इसलिए इन एरिया में बारिश अच्छी सी होती है, यहाँ के लोगों को सांस लेने के लिए अच्छी ऑक्सीजन मिल पाती है। लेकिन अगर इसी तरह से जनसंख्या बढ़ाते रहे तो इन लोगों का भी यही हश्र होने वाला है, इन राज्यों का। तो हमको सबसे बड़ी बात है जनसंख्या नियंत्रण, है ना, लोगों को फ्री में बांटना बंद होना चाहिए ताकि ये चीज़ें उनको समझ में आए। देयरफोर द गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू टेक अप सीरियस मेजर्स टू चेक दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। जनसंख्या नियंत्रण के लिए गवर्नमेंट ने नसबंदी का प्रोग्राम चालू किया। नसबंदी क्या है, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी, मेल में वासेक्टोमी, नसबंदी में परमानेंट क्लोज कर दिया जाता है, आप उसके बच्चे नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए कई रिवार्ड्स निकाला, मतलब अनाउंस किया कि हम जो महिला नसबंदी कराएगी उसको 2000 रुपये देंगे, साथ में कंबल देंगे, है ना, उसके पति को अगर गवर्नमेंट जॉब है तो उसको 1 या 2 इंक्रीमेंट जो है वेतन वृद्धि हम देंगे, इस टाइप के जो रिवार्ड्स हैं लोगों को देना शुरू किया गवर्नमेंट ने, तो उसका कुछ प्रभाव तो देखा। मैं तो गांव में रहा हूँ ना, तो मैंने देखा है कुछ लोगों को कि कुछ महिलाएं जो है 2000 रुपये एक कंबल के लिए भी नसबंदी कराने जाती हैं। तो कम से कम ये चीज़ें कुछ जो है ज़्यादा मात्रा में देनी चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट अगर बच्चे हो जाते हैं तो उनको जो फ्री में पढ़ाती लिखाती खिलाती पिलाती है उसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं, उससे अच्छा कि कुछ 10-20 हज़ार रुपये दे दें महिला को और बोले कि तुम नसबंदी करा लो। अगर वो करा लेती है, जो पहले 5 बच्चे पैदा करने वाली थी वो अब 1 या 2 बच्चे में करा ली, तो 3 बच्चे जो पैदा नहीं हुए उन 3 बच्चों का जो खर्चा गवर्नमेंट आगे देने वाली थी सब्सिडी के रूप में वो बच गए गवर्नमेंट की। तो उन चीज़ों को कैलकुलेट करना चाहिए गवर्नमेंट को और लोगों को नसबंदी के लिए परमानेंट क्लोजर के लिए ये स्टिमुलेट करना चाहिए, ये एक प्लान होना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं परमानेंट वाले भी या टेम्प्रोरी वाले भी, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल होना चाहिए, हर किसी को मिलना चाहिए फ्री में और लोगों को उसके बारे में जागरूक करना चाहिए। You might have seen advertisement in the media as well as poster, bills, etc. showing a happy couple with 2 children with a slogan "हम दो हमारे दो". और आजकल ये स्लोगन बदल गया है थोड़ा सा, अब ये हो गया है हम एक पति पत्नी, हम एक और हमारा एक बच्चा, इस तरह का स्लोगन निकाला जा रहा है ताकि लोग जो है एक ही बच्चा पैदा करें
लेकिन देखिए एक बच्चे पैदा करने में आगे क्या समस्या होने वाली है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। जैसे चीन है, देखिए चीन ने आज से 40 साल पहले एक बच्चे का नियम निकाला कि आप सिर्फ एक बच्चा ले सकते हो, उससे ज़्यादा पैदा नहीं कर सकते। तो पहली समस्या आई कि लोगों ने लड़कियों को पैदा करना बंद कर दिया, वहाँ भी फीमेल फर्टिसाइड ज़्यादा मात्रा में होने लग गया, क्योंकि जब एक ही बच्चा लेना है तो भी लड़का हो तो कुछ काम आएगा, इस टाइप का लोग सोचने लग गए। तो लड़कों की जनसंख्या अनाप शनाप बढ़ने लग गई और चीन में लड़कियां कम होने लग गई और शादी करने के लिए लड़कियां मिलनी बंद हो गई, कम हो गई। ये पहली समस्या आई। दूसरी समस्या क्या आती है, देखिए लंबे समय की बात करते हैं, अगर 50-60 सालों में क्या समस्या आती है कि माँ बाप दो हैं, मतलब माँ है और बाप है, दो व्यक्ति, ये दोनों आगे चल के बूढ़े होंगे और इनका एक बच्चा है वो आगे चल के जवान होगा। तो मतलब बूढ़े दो लोग हो रहे हैं और जवान एक आदमी हो रहा है, एक बच्चा हो रहा है। तो बूढ़ों की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लग गई। चीन जो है आज 2020 के आसपास में बूढ़ों का देश कहलाता है, क्योंकि वहां बूढ़े ज्यादा हो गए हैं जवानों की तुलना में। तो अब सोच सकते हैं कि अगर बूढ़े ज्यादा हो गए तो फिर क्या समस्या आएगी, ये तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन भारत युवाओं का देश क्यों कहलाता है, क्योंकि एक व्यक्ति ने 5 बच्चे पैदा कर दिए। अब 5 बड़े हो गए, 2 बूढ़े हुए, तो युवाओं का देश हो गया। अब युवाओं का देश हो गया तो सब युवा फिर जनसंख्या बढ़ाने में लग गए, अब वो 5-5 बच्चे फिर पैदा कर रहे हैं, तो 5 के जो है 25 बच्चे हो गए। इसलिए ज्योमेट्रिक तरीके से जनसंख्या बढ़ने लग गई है ना, तो ये भी समस्या है। तो ये सारी चीज़ों को समझाना जरूरी है कि 2 बच्चे हों तो वो सही है, 2 बूढ़े होंगे 2 जवान होंगे, फिर 2 बूढ़े होंगे 2 जवान होंगे, ये एक स्टेबल तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। मैनी कपल्स मोस्टली द यंग अर्बन वॉकिंग वंस हैव इवन अडॉप्टेड इन 1 चिल्ड्रेन नॉर्म। तो एक बच्चा की ये जो बात है ये ज़्यादातर शहरों में अपनाने जाने लगा, क्योंकि शहरी जो जगह है, शहर में जो लोग रहते हैं उनके पास रहने के लिए छोटा घर होता है ना, नौकरियां कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना महंगा है, महंगे स्कूल हो गए हैं है ना, उनको महंगी महंगी किताबें चाहिए, महंगे महंगे ड्रेसेस चाहिए, महंगा कन्वेंस है, वो जो जिस बस में जाते हैं स्कूल वो महंगा है, मतलब पढ़ाना लिखाना पालन पोषण खिलाना पिलाना हर चीज़ महंगा है, ऐसा लोग समझते हैं महंगा है। मैं तो नहीं समझता कि महंगा है, लेकिन महंगा है मान लो, क्योंकि कमाई कम है खर्चे ज़्यादा हैं तो महंगा लगता है। तो लोग क्या है, एक ही बच्चे पे आ गए हैं कि नहीं यार आप एक ही बच्चा ठीक है यार, कौन कहाँ से पढ़ाएंगे कहाँ से लिखाएंगे कितना खर्चा करेंगे यार, एक ही में नहीं पुर पाता है, इस टाइप के लोग बात करते हैं। तो अब एक बच्चे का कंसेप्ट अब लोगों में आने लगे हैं, तो 1 चाइल्ड नॉर्म ये होने लगे। स्टेटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल टू 18 ईयर्स एंड दैट ऑफ मेल 21 ईयर्स एंड इंसेंटिव गिवन टू द कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज आर टू ऑफ द अदर मेजर्स टेकन टू टैकल दिस प्रॉब्लम। देखिए पहले बाल विवाह का कंसेप्ट था, बच्चों को 5, 7, 10 साल की उम्र में शादी कर देते थे, 15 साल की उम्र में दोनों का मिलन चालू हो जाता था और 15 साल की उम्र से ही उनके बच्चे होने शुरू हो जाते थे। पहली बार भारत के इतिहास में, जो मुझे पता है थोड़ा सा, भारत में पहली बार अकबर के समय में, मुगल सम्राट अकबर, उसके समय में उन्होंने लड़की की उम्र 14 साल निर्धारित की थी, शादी की उम्र 14। भारत को आज़ादी मिली तो 16 साल लड़की की उम्र और 18 साल लड़कों की उम्र निर्धारित थी, फिर बाद में ये बढ़ा करके 18 साल लड़की की और 21 साल लड़कों की गई। अब जो आज 2020 में है हम लोग, तो अब कहीं कहीं ये बात चलती है कि ये उम्र भी अब बढ़ानी जानी चाहिए, जो 18 साल है लड़की की उसको 20 साल और लड़के की 21 की जगह 25 साल ये कर देनी चाहिए, ताकि जनसंख्या नियंत्रण में और थोड़ी सहायता मिले। लेकिन ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से, इसको करना कोई बहुत ज़्यादा मतलब का नहीं है, क्योंकि अगर 25 साल की उम्र में भी शादी कर रहे हैं, उनको टारगेट है कि हमको 3 बच्चे लेने हैं, तो 25 साल की उम्र से 50 साल की उम्र के बीच में 3 बच्चे ले लेंगे 4 बच्चे ले लेंगे, अब क्या रोक पाओगे? अब 50 साल तो नहीं कर सकते ना उम्र को कि वो रिप्रोडक्शन ही ना कर सके, जा ऐसा नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से उम्र को बहुत ज़्यादा बढ़ाना शादी के लिए ये कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं है। आप एजुकेशन को बढ़ाइए, लोगों को समझाना शुरू करिए। एजुकेशन में जैसे जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, लोग खुद ब खुद समझ में आएगा कि आज पढ़ाना लिखाना कितना मुश्किल काम है बच्चे को, इसलिए कम बच्चे लें, वो खुद ब खुद सोचेंगे। ठीक है, ऐसा है। लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स विच हेल्प प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। तो कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं इनको हम अब यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में अब पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको नेक्स्ट वीडियो में हम ख़त्म कर दें। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था, इसमें कोई बहुत ज़्यादा काम की चीज़ तो नहीं थी,
लेकिन फिर भी आपने पढ़ा मेरा वीडियो, देखा, बहुत अच्छा है। चूंकि एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन पूछता है, तो कहीं भी किसी भी लाइन से उठाए कुछ भी पूछ देगा, आप क्या कर लोगे। तो लाइन टू लाइन हमको पढ़ना ही है, इसलिए इसको ये वीडियो मैंने बनाया। हालांकि मैंने पहले देख लिया था कि कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है इस वीडियो में, लेकिन फिर भी आपने पढ़ा एक बार, बहुत अच्छा किया, है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो एक या दो वीडियो जो बनाऊंगा मैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे मेथड्स के बारे में हम चर्चा करेंगे और वो चीज़ें वर्ल्ड पूछता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं मित्र तो ज़रूर कर लें प्लीज़, है ना। इससे मेरे चैनल को थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा आगे बढ़ने में आपकी सहायता से, और थोड़ा सा लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, तो मुझे पता चलता है कि आप क्या चाहते हैं, है ना। और जैसे जैसे आप कमेंट करते हैं, मैं वैसे वैसे आगे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आगे भी मैं कोशिश करते रहूँगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। थैंक यू, बाय।